दोस्तों आई होप आज का ये दिन आपका प्रॉफिटेबल रहा होगा। आज का दिन था निफ्टी फिफ्टी का एक्सपायरी, एंड एक्सपायरी के दिन मेरे को ऐसा एक मौका मिला जहां पे मैंने एक अच्छा खासा ट्रेड बना लिया। मैंने ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वांटिटी के साथ एक ट्रेड बनाया था। सिर्फ और सिर्फ 6,000 अमाउंट का मैंने इन्वेस्टमेंट किया था, एंड 6,000 अमाउंट के बदले में मैंने कितना रुपीज का आज प्रॉफिट बनाया वो आप लाइव मार्केट में देख सकते हो। अगर आपको मेरे साथ अप टू डेट रहना है, अगर आप भी चाहते हो इस तरीके का प्रॉफिट बनाना, तो आप हमारा प्रीमियम ग्रुप बिल्कुल फ्री में ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप भी चाहते हो पैसा कमाने के साथ साथ ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना भी, तो आप जरूर से मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। और स्टॉक मार्केट में हम किस तरीके से प्रॉफिट बना सकते हैं, किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं कोई स्ट्रेटेजी को, वो अगर आपको जानना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करके इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आप साइड पे जैसे कि मेरा मोबाइल का स्क्रीन देख सकते हो, तो वो जो टाइम था वो था 11:39। एंड तो मैंने जैसे कि कल का वीडियो में आपको बताया था कि किस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, एंड उसी वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया था कि कल का आज का जो मार्केट है, आज का मार्केट में कौन सा रेजिस्टेंस एंड कौन सा सपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, वो मैंने आपको कल का वीडियो में बताया था। सेम उसी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करते हुए आज का वीडियो में मैंने दो ट्रेड लिया था, एंड जो दोनों मैंने ट्रेड लिया था, पहला ट्रेड था मेरा 3 लॉट के साथ, सेकेंड ट्रेड था मेरा 2 लॉट के साथ। तो पहला जो ट्रेड था वो ट्रेड मैंने 11:39 को लिया था, जहां पे मैंने 18,950 का सी लिया था 3 लॉट, जो मेरे को पड़ा था एवरेज प्राइस 36.25 रुपीज। जैसे ही मार्केट में मेरा लॉट एग्जीक्यूट हुआ, वैसे ही मेरे को जो है कि अप्रॉक्स 100 रुपीज का प्रॉफिट तो इजीली देखने के लिए मिल गया, 100, 90, 80 इस तरीके का हो रहा था। उसके बाद मेरे को लगा कि मेरे को जो है कि यहाँ पे एक टारगेट फिक्स कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे को पता था आज का मार्केट में जो है कि बहुत ही अच्छा खासा मूव देने वाला है ऊपर की तरफ, तो मार्केट में जो है कि सेल भी आएगा, मतलब कि कुछ लोग जो है कि प्रॉफिट बुक करेगा, तो आपको अब जो कि फेक कुछ आपको डाउनफॉल भी देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वहां पे अगर आप लॉस मान के अगर आप वहां पे एग्जिट कर दोगे, तो यहाँ पे आपका ही नुकसान होगा। इसलिए मैंने वहां पे सिंपल से स्टॉप लॉस नहीं लगाया था, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि मेरा किस तरीके से माइनस भी हो जाता है। लेकिन मैंने थोड़ा सा मतलब कि दिल पे पत्थर रख के वहां पे मैंने थोड़ा सा रिस्क ले लिया था कि आज जो होगा देखा जाएगा। इसके बाद जो है कि जैसे कि देख सकते हो मार्केट अभी जो है कि माइनस की तरफ आ चुका है, एंड जैसे ही 900, 1000 और 1200 इस तरीके से जैसे ही पहुंचने लगा, तो मेरा मतलब कि आप लोग समझ सकते हो कि मतलब क्या हो सकता है। 6000 जहां पे आपका इन्वेस्टमेंट है, वहां पे आपका 1200 जो है कि वहां पे माइनस शो हो रहा है। तो मतलब मैंने सोच ही लिया था कि आज जो होगा देखा जाएगा, इतना सियोरिटी था कि आज तो मार्केट ऊपर जाएगा ही जाएगा, तो मेरे इतना सिक्योरिटी लेके मैंने जो कि ट्रेड ले लिया था। तो अभी अगर आप देखोगे तो जो है कि टाइम थोड़ा सा बीत गया, उसके बाद जो है कि मेरे को थोड़ा सा मतलब देखने के लिए मिला कि मार्केट जो है कि फिर से जो कि ग्रो हो रहा है। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस पे एक बार ब्रेकडाउन देगा फिर से, एंड फिर से उसको सपोर्ट बने के ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा, ये मेरे को पता था, मैं सियोर था आज के मार्केट में, जैसे कि मैंने कल का वीडियो में आपको बताया था। तो तब टाइम हो रहा था 11:45, एंड 11:45 को मेरा जो है कि लॉस बहुत ही कम हो गया, फिर से 100 इस तरीके का लॉस आया, उसके बाद 90, 80 इस तरीके से मार्केट बहुत ही अच्छा खासा मूव देने लगा ऊपर की तरफ। सिर्फ और सिर्फ 6000 इन्वेस्टमेंट करके 3 लॉट में मेरे को 262 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट हुआ। तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे मैंने नहीं रुका, कल के वीडियो में मैंने आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिया था, मेरे को पता था वो फिर से ब्रेक करेगा, तो मैंने क्या किया उस पे ही फिर से मैंने एग्जीक्यूट कर लिया मार्केट में। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने फिर से जो है कि मार्केट में एक बार री एंट्री कर लिया था। तो मैंने अभी क्या किया था, मेरे पास उतना ज्यादा मार्जिन नहीं था, इसलिए मैंने जो कि 2 लॉट के साथ ट्रेड स्टार्ट किया, एंड जो मेरे को पड़ गया था अप्रॉक्स 36.79 रुपीज। तो जैसे कि मैंने सोचा था उसी तरीके से मार्केट जो है कि धीरे-धीरे मूव देने लगा ऊपर की तरफ, एंड आज का मार्केट तो आप सबको पता ही है कि एक्सपायरी हुई था, एंड इतना ज्यादा मार्केट ऊपर की तरफ मूव दिया। उसके बाद आप जैसे कि देख सकते हो 800, 900, 1000 इस तरीके का मेरा टच होने लगा, तो मेरे को पता था कि मार्केट और भी थोड़ा सा ऊपर जा सकता है, तो 1300 इस तरीके का आसपास मेरा जो कि फिर से मार्केट चला गया था। एंड उसके बाद मेरे को लगा कि मेरा मार्केट में अभी जो है कि यही प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप जितना ज्यादा लालच करोगे उतना ज्यादा ही आपका नुकसान भी होगा। उसी वजह से आज का जो ट्रेड लिया था, ये ट्रेड में 1202 रुपीज का मेरे को प्रॉफिट हो चुका है, जहां पे 100 रुपीज का मेरे को ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है एंजल वन में। तो एंजल वन में सोच रहा हूँ इसको छोड़ देने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेरे को ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी कि उसको छोड़ दूँ एंड नया कोई ब्रोकर को यूज करूँ। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके का प्रॉफिट बनाना चाहते हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं आपको इस तरीके का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है कि सोच रहा हूँ कि डेली का बेसिस पे दे दूँ, जो आपको दूंगा वो मेरा खुद का ही एनालिसिस किया हुआ रहेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, जो बिल्कुल फ्री है, एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो, मैं जितना जल्दी हो सकता है उसका रिप्लाई भी कर दूंगा। तो अभी जो स्क्रीन पे वीडियो आ रहे हैं आप इस वीडियो को देख सकते हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में और एक नया वीडियो के साथ।